की आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मेजर इंसेक्ट्स ऑफ शुगर केन, उनका आइडेंटिफिकेशन, लाइफ साइकिल, नेचर ऑफ डैमेज और मैनेजमेंट। सबसे पहले देखेंगे कि शुगर केन में कौन कौन से मेजर पेस्ट लगते हैं, है ना। तो प्रमुख रूप से जो बोरर्स लगते हैं, जिनको बोला जाता है आपका बोरर कॉम्प्लेक्स, उसमें तीन बोरर आते हैं, अर्ली सूट बोरर, काइलो इंफस कैटलस, ऑर्डर लेप्टोप्टेरा फैमिली पायरेलिडी, इंटरनोड बोरर काइलो सेकेरी फेगस इंडिकस लेप्टोप्टेरा पायरेलिडी, टॉप सूट बोरर या टॉप बोरर सिरकोफेगा निवेला लेप्टोप्टेरा पायरेलिडी। ये तीनों जो बोरर्स हैं, ये तीनों बोरर्स शुगर केन के मेजर पेस्ट के तहत आते हैं, और इन तीनों बोरर्स को मिला करके बोरर कॉम्प्लेक्स बोला जाता है, बोरर कॉम्प्लेक्स ऑफ शुगर केन। दूसरे और पेस्ट हैं जैसे रूट ग्रब, कोलोट्रिकिया सेरेटा, कोलोट्रिकिया कॉन्सनग्वेनिया, कोलियोप्टेरा बिलोवंथिडी, है ना, टर्माइट ओडोन्टोटर्मास ओबिसस, आइसोप्टेरा ऑर्डर टर्मिटिवी फैमिली, शुगर केन स्केल प्लेनेपिस ग्लोमेरेटा, है ना, हेमिप्टेरा डिस्पेडिडी, शुगर केन मिलीबग, रिपेंसिया सेकेहरी, हेमिप्टेरा सुडोकोक्सिडी, शुगर केन लीफ हॉपर पायरिला पर्पुसिला, ऑर्डर हेमिप्टेरा फैमिली लोकोपिडी, पुलियोपिड, सर्टोबा वैकुना लेंजियरा, हेमिप्टेरा एफिडिडी, व्हाइट फ्लाई एलुरोरोबस बारोडेंसिस, हेमिप्टेरा एलुरोडिडी। इस प्रकार से ये शुगर केन के मेजर इंसेक्ट पेस्ट की लिस्ट है। आपके एग्जाम्स में अगर पूछा जाता है लिस्ट ऑफ द शुगर केन पेस्ट, तो आप इस लिस्ट को विथ साइंटिफिक नेम ऑर्डर एंड फैमिली के लिखेंगे। तो शुरू करते हैं, पहला सबसे पहला है शुगर केन टॉप बोरर सिरकोफेगा निवेला लेप्टोप्टेरा ऑर्डर का ये पेस्ट है। इस पेस्ट की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि इसके जो अंडे होते हैं वो आपका डल वाइट इलॉन्गेटेड होते हैं और हल्के सफेद रंग के होते हैं, और ये जो एग्स जो होते हैं ना लंबे से रहेंगे, और इनके ऊपर ये जो दिख रहा है पिक्चर में देखिए, ये जो कि आपका फीमेल जो होती है अपने एनल टप से, ये एनल टप है फीमेल का, एडल्ट फीमेल जो है एनल टप से इस अंडे को कवर कर देती है ना, ठीक है। तो इस प्रकार से एग जो है, ये एग आपको ऐसा दिखाई नहीं देते, ऊपर जो है ये जो कवर्ड है वो कवर्ड दिखाई देता है, लेकिन जब आप कवर को उठाएंगे तो नीचे एग रहते हैं। इसका जो लार्वा होता है वो फुल ग्रोन लार्वा 25 से 30 मिलीमीटर का होता है, जो कि लंबा क्रीमी व्हाइट कलर का होता है और स्लगिश थोड़ा सा कम होता है, थोड़ा सा जो है फास्ट मूवमेंट्स होता है इसके, है ना। एडल्ट जो होते हैं व्हाइट इन कलर, मिल्की व्हाइट मॉथ होती है ना। और जिसका ये देखिए जो एंड होता है एब्डोमेन का, उसमें सिल्कन हेयर्स का एक प्रकार का टफ बालों का गुच्छा जो है वो पाया जाता है, ठीक है। तो ये वही चीजें हैं, एक्स जो है वो आपका कहाँ पे दिए जाती हैं, लोअर सरफेस, टॉप लीव्स की जो शुगर केन की टॉप लीव्स है उसकी लोअर सरफेस पे जो इसके इस मादा की स्टीट की जो फीमेल है वो अंडे देती है, पर्टिकुलरली मिड रिब के आसपास रहते हैं इसके अंडे, है ना। और ये क्लस्टर्स में अंडे दिए जाते हैं जो कि फीमेल इंसेक्ट्स के जो टफ होते हैं बालों को गुच्छे से ढक दिए जाते हैं। लार्वा जो होता है स्मूथ होता है, व्हाइट या क्रीम कलर का होता है ना, और इसमें जो है आपका रेड कलर की मिड डॉर्सल, बिल्कुल जो डॉर्सल पोर्शन ऊपर की ओर ना लाइन पाई जाती है रेड कलर की, है ना। और इसका जो सिर होता है वो येलो रंग का होता है। प्यूपा जो है वो प्यूपेशन जो होता है वो जो लार्वल चैम्बर बना हुआ है उसमें जो प्यूपेशन होता है वो उसी टनल के अंदर होता है, ठीक है। और जिससे जो है आपका क्या बोलते हैं, उसमें आप इजीली देख सकते हैं कि एग्जिट होल में जहाँ से कैटरपिलर निकला है ना, वहां पे जो टनल बना होता है उसके अंदर पिपा होता है। एडल्ट जो होता है व्हाइट कलर की मॉथ होती है ना, जिसके की एब्डोमेन में जो है आपका ऑरेंज कलर या ब्राउन रंग का जो है बालों का गुच्छा होता है। ये देखिए,
ये मिड रिब है शुगर केन की, इस मिड रिब के लोअर साइड लोअर सरफेस में मिड रिब के पास जो है ये अंडे दिए हैं। लार्वा जो है आपका स्लगिस नहीं होता है, लेकिन लार्वा इस तरीके का होता है, ये प्यूपा है जहाँ से एंट्री होती है वहीं पे ये प्यूपेशंस दिए जाते हैं, और ये इसका एडल्ट है प्योर वाइट कलर का होता है। इसका जो नेचर ऑफ डैमेज या सिम्टम्स ऑफ डैमेज है ना, तो सबसे बड़ी पहचान ये होती है पैरेलल रोज, ये देखिए है ना, ये शॉर्ट होल छोटे छोटे होल्स जो होंगे ना लीव्स में जो है वो आपका पैरेलल रोज रहेंगे है ना, ठीक है, छोटे छोटे होल्स की पैरेलल रोज रहेंगे एक के बाद एक, ये देखिए पैरेलल रोज है ना, ठीक है, किसमें लीव्स में है ना। और बाद में जो है ये पहला सफेद रंग की होती है, बाद में ब्राउन रंग की हो जाती है। ये सबसे ज्यादा टॉप शूट बोरर का जो डैमेज ऑफ सिम्टम्स की पहचान होती है पैरेलल रोज ऑफ शॉर्ट होल्स है ना। और इसमें जो डेड हार्ट बनते हैं, डेड हार्ट जो बनते हैं वो डेड हार्ट जो सामान्यता है आसानी से खींचे चले जाते हैं, लेकिन शुगर केन टॉप शूट बोरर के केस में जो डेड हार्ट होते हैं वो इजिली पुल्ड आउट नहीं होते हैं, इजिली खींचे नहीं जा सकते है ना। और जो टिल्डिंग फेज होती है क्रॉप की है ना, वो उसमें अगर जो है अटैक होता है तो सूट जो है वो आपके टिलर्स क्या हो जाता है वो बंची टॉप अपीयरेंस में है ना, बंची टॉप, ये देखिए ये जो दिख रहा है ना बंची टॉप, ये कहता बंची टॉप अपीयरेंस, मतलब आपका गुच्छों में जो टॉप के जो लीव्स हैं है ना टिल्डिंग स्टेज में अगर अटैक होगा तो ये बंची टॉप जैसा अपीयरेंस होता है। तो मेजर कैरेक्टरिस्टिक होगा पैरेलल रोज ऑफ शॉर्ट होल्स, डेड हेड और पंची टॉप अपीयरेंस, ये मेजर वो है आपके है ना। देन डेड हेड, ये देखिए आपको ये डेड हेड बना है, ये पैरेलल शॉर्ट होल्स हो गए, ये बोर होल्स हो गए जिसमें से सेट करके जाता है ये इंसेक्ट्स, और ये पंची टॉप अपीयरेंस हो गया है ना। तो इसके जो मैनेजमेंट की बात करें तो जो रेजिस्टेंट वैरायटी है कल्चरल मेथड्स में CO419, CO745 एंड CO6516, इन वैरायटीज को ग्रो करना चाहिए, इन वैरायटीज के सेट्स की प्लांटिंग करनी चाहिए है ना। और अर्दिंग अप मिट्टी चढ़ाना है ना, ट्रेस मल्चिंग है ना, मल्चिंग जो भी आपका पैरे का मल्चिंग कर रहा है उसके बाद आपको क्या करना है अर्दिंग अप करना है, मिट्टी को चढ़ाना है ना, ठीक है। मेज सोरगम इसकी इंटरक्रॉप नहीं लेना है ना। और एक प्लांटिंग का सिस्टम होता है जिसको बोलते हैं पेयर्ड रो सिस्टम ऑफ प्लांटिंग ऑफ शुगर केन, उसको अगर प्रेफर करेंगे तो इस पेस्ट का अटैक कम होता है। और डेड हेड जो है उनको क्या करना है रिमूव कर देना है, डिस्ट्रॉय कर देना है। फिजिकल मेथड्स में जितने भी एग मासेस हैं उनको कलेक्ट करना है, कलेक्ट करके एग मासेस को आपको खत्म कर देना है, ठीक है। और मौत इवर्ज होने के पहले ही जो है ना आपको अगर अपन मौत को भी कलेक्ट करके खत्म कर देते हैं तो जो है एग लेइंग नहीं होगी है ना। बायोलॉजिकल कंट्रोल के तहत जो इग्नोमिनेट पैरासाइट वास्प होती है ना, जिसको बोलते हैं आइसोटीमा जेवेंसिस है ना, ये जो है 100 पेयर्स एक हेक्टेयर की पीपल पैरासाइट, पीपल पैरासाइट है ये ना आइसोटीमा जेवेंसिस, 100 पेयर्स एक हेक्टेयर में रिलीज किया जा सकता है। और जो भी जो अनपैरासाइटाइज एग्स हैं है ना, ठीक है, उसको आपको क्या करना है एक बैग में इकट्ठा कर लेना है ना, ठीक है, और उसको इकट्ठा करके बाहर कर देना है ना। केमिकल मेथड्स में जो कार्बोफ्यूरान है ये 3G का ग्रेनुलर, कोई ग्रेनुलर कार्बोफ्यूरान इंसेक्टिसाइड जो है 1 kg प्रति हेक्टेयर, या थीमेट 10G 3 kg एक्टिव इंग्रेडिएंट पर हेक्टेयर 10 दिन जो है आपका थर्ड ग्रुप उसकी जो तीसरे स्टार आता है उसके 10 दिन पहले जो है एप्लीकेशन करना है। और साथ ही साथ फरो बना करके रूट जोन पे जो शुगर केन की रूट होती है वहां पर भी केमिकल इंसेक्टिसाइड्स का एप्लीकेशन करना है, उसके बाद थोड़ा पानी दे देना है, तो इससे भी जो है ये कंट्रोल किया जा सकता है, इस पेस्ट को कंट्रोल किया जा सकता है। दूसरा पेस्ट है स्टेम बोरर, शुगर केन स्टेम बोरर काइलो इनपस कैटलस लेप्टोपेरा पायरेलिडी, ये देखिए ये इसका एडल्ट दिख रहा है, ये इसकी लार्वा दिख रही है, ये प्यूपा है और ये इसका डैमेज ऑफ सिम्टम्स है। तो
सबसे पहला अपन इसके डैमेज आप सिम्टम्स या नेचर ऑफ डैमेज देखेंगे ना, तो डेड हार्ट, ठीक है, जो डेड हार्ट होता है वो 1 से 3 महीने पुरानी क्रॉप में दिखाई देता है और इसमें डेड हार्ट इजिली स्टेम बोरर में इजिली पुल आउट हो जाता है, इजिली अगर खींचेंगे तो डेड हार्ट निकल जाएगा ना। कैटरपिलर जो है वो ये देखिए ये आपको दिख रहा है सेंट्रल सूट में जो कैटरपिलर बोर करता है ना और अंदर रह करके जो टिश्यूज होते हैं उनको खाने का कार्य करता है। इस प्रकार से बोर होल्स नियर रूट जोन पे दिखाई देता है और ये फीड करने के कारण से ही डेड हार्ट का निर्माण होता है। और जब आप उस पर देखेंगे तो जो ये अंदर कभी ये कंसे को खींचेंगे टिलर्स को तो उस टिलर से गंदी सी बदबू आती है ना, ठीक है। और साथ ही साथ जो है आपका ये देखिए पूरा जो है सड़ जाता है, सड़ाने के कारण से उस पर गंदी बदबू आती है। फिर एग, इसके जो अंडे होते हैं वो फ्लैट होते हैं, फ्लैट स्केल लाइक एग्स होते हैं जो कि 3 से 5 कतार में पत्तियों की लोअर सरफेस में दिया जाता है और ये अंडे मासेस में गुच्छों में दिए जाते हैं और गुच्छों में 4 से लेकर 100 अंडे तक की संख्या होती है ना। लार्वा जो होता है ये देखिए लार्वा डर्टी व्हाइट कलर का होता है, डर्टी व्हाइट कलर का होता है जिसके की डॉर्सल पोर्शन पे जो है आपका ये देखिए लॉन्जिट्यूडिनल है ना डार्क वायलेट लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रिप्स, ये देखिए नजर आ रही है ऐसे स्ट्रिप्स, ये स्ट्रिप्स की संख्या कितनी होती है 5 है ना, 5 डार्क वायलेट लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रिप्स और जो इसका सिर होता है वो डार्क ब्राउन कलर का होता है। प्यूपेशन, प्यूपा जो है उसमें जो प्यूपेशन होता है वो स्टेम इनसाइड द स्टेम होता है, ठीक है, इनसाइड द स्टेम होता है। और आपका जो एडल्ट होता है वो देखिए पेल ग्रीस ब्राउन मॉथ होती है, है ना, जिसके ऊपर की ब्लैक डॉट्स होते हैं कहाँ पे पोस्टल मार्जिन के पास फोर विंग्स में है ना, और हाइंड विंग्स जो होता है वो वाइट इन कलर होता है। इसके मैनेजमेंट की बात करें स्टेम बोरर की तो अपन वेस्टर्न वैरायटीज जैसे CO312, CO421, CO661, CO917 एंड CO853 का हम लोग सोइंग कर सकते हैं ना, इसकी प्लांटिंग कर सकते हैं, अर्ली प्लांटिंग करना ज़्यादा अच्छा रहता है जिससे कि आपका सूट बोरर का इंसिडेंस नहीं होता है। अर्ली प्लांटिंग मतलब दिसंबर जनवरी के महीने में प्लांटिंग हो जानी चाहिए सुगर केन। सुगर केन जो है उसको ढेंचा के साथ जो है आपका अगर इंटरक्रॉप कर देते हैं, इंटरक्रॉप के रूप में ढेंचा की फसल लेते हैं तो अर्ली सूट बोरर का इंसिडेंस कम होता है ना। ट्रेस मल्चिंग अलोंग द रिजेस ऑफ 10 to 15 cm 3 days आफ्टर प्लांटिंग, प्लांटिंग करने के बाद ट्रेस मल्चिंग कर दो तो भी इसका अटैक कम होगा ना। और एडुकेट पर्याप्त रूप से मॉइस्चर होनी चाहिए सॉइल में जिससे कि जो है ह्यूमिडिटी बढ़ने के कारण से इसका जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो अर्ली सूट बोरर का कम होता है ना। और इसमें जो है पार्शियल अर्थिंग करना है, मिट्टी चढ़ाना है 45 दिन के ट्रांसप्लांटिंग के बाद है ना। तो इस प्रकार से कंट्रोल मेथड से अर्ली सूट बोरर जो है उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। फिजिकल मेथड्स के तहत रिमूव एंड डिस्ट्रॉय डेड हार्ट्स, फेरोमोन ट्रैप्स 10 संख्या में 1 हेक्टेयर के अनुसार से सर्विलेंस और मॉनिटरिंग के लिए अपन यूज कर सकते हैं फेरोमोन ट्रैप्स का ना। और जो उसका जो सेप्टा या लेयर होता है उसको 30 दिन के अंदर पे हमको बदलते जाना है। बायोलॉजिकल मेथड्स के तहत जो ग्रैनुलोसिस वायरस होता है 1.5 × 30.5 IPS पर हेक्टेयर या 750 डिसीज्ड जो इन्फेक्टेड लार्वी है, वायरस से इन्फेक्टेड जो लार्वी है उनको 1 हेक्टेयर की दर पे टिपॉल के साथ, टिपॉल होता है एक स्टिकी वो है आपका है ना सब्सटेंसेस है उसके साथ मिला करके 30 से 35 दिन आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग और 50 दिन आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग 2 बार अगर अपन लोग स्प्रे करते हैं तो इस पेस्ट का कंट्रोल किया जा सकता है ना। रिलीज 125 ब्रेविट फीमेल्स ऑफ स्ट्रोमियोसिस इनफेरेंस है ना, ये क्या है एक प्रकार की टेक्निक पैरासाइट है ना, इसको पर हेक्टेयर की दर से अगर हम लोग रिलीज करें तो भी हम लोग इस पेस्ट का कंट्रोल कर सकते हैं। इंसेक्टिसाइड्स कार्बोरिल या सेविडॉल 4% जी 12.5 kg पर हेक्टेयर या कार्बोफ्लोरिन का 33 किलो पर हेक्टेयर सॉइल एप्लीकेशन करने के भी इस पेस्ट का कंट्रोल किया जा सकता है। यदि क्लोरपाइरीफास 1000 ml
और उसके साथ जो है आपका लगभग पीपॉल है ना, पीपॉल जो मिला लिया थोड़ा सा, और उसको अपन लोग 1 हेक्टेयर के एरिया में स्प्रे करेंगे तो भी जो है इस पेस्ट का कंट्रोल किया जा सकता है। अगला पेस्ट है दीमक टर्माइट है ना, ओडोटोटर्मस ओबेसस आइसोपेरा टर्मिटिडी ना। तो इसमें सबसे बड़ी खासियत होती है इसके जो वर्कर्स होते हैं वो मेन रूप से अटैक करने का कार्य करते हैं। जो न्यूली प्लांटेड सेट्स हैं है ना, सुगर केन की जो प्लांटिंग होती है वो सेट्स के जरिए होती है ना, वो सेट्स को इफेक्ट करते हैं दीमक, जिसके कारण से जर्मिनेशन प्रभावित होता है। इसके जो नेचुरल डैमेज है कि ये जो वर्कर हैं ये क्या करते हैं, जो भी एंड्स होते हैं जो लगाए जाते हैं उसके जो एंड्स होते हैं सेट्स के एंड्स होते हैं उसके अंदर घुस जाती है दीमक, और जो इसके अंदर सॉफ्ट टिश्यूज होती है उनको खाने का कार्य करती है ना, जिसके कारण से ये यहाँ अंदर टनल बन जाता है और टनल पूरी पूरी मिट्टी से भर जाती है ना। और टर्माइट्स जो होती है वो सेट्स के ऊपर, सूट्स के ऊपर, कैंस के ऊपर भी, और साथ साथ जो स्टेबल्स होते हैं उनके ऊपर भी अटैक करने का कार्य करता है, जिससे कि पूरा का पूरा जो सूट है वो क्या हो जाता है, सूख जाता है और खींचोगे तो बहुत आसानी से निकल जाता है। तो इस प्रकार से ये चीजें हैं, और साथ साथ जब ये फीडिंग करती है ना तो जो इसकी लीव्स है ये देखिए है ना, इसकी सुगर केन की जो लीव्स में सेमी सर्कुलर है ना अर्धचंद्राकार जो है फीडिंग मार्क्स दिखाई देता है ना, स्टैंडिंग क्रॉप में अगर टर्माइट का अटैक हुआ है तो है ना। और जब भी इसका अटैक होता है तो जर्मिनेशन जो है ना वो सेट्स का कम हो जाता है ना, पत्तियां जो है कैसी हो जाती है, पीली हो जाती है, सूख जाती है ना, और जो पूरा सूट जो है वो सूख जाता है, ये देखिए ये सब सूखी के जरिए है ना, और इसको जब खींचोगे तो बहुत आसानी से निकल आता है। ये देखिए पूरी सूट सेट्स जो है, सेट क्या हो गया, सुगर केन सेट्स जो है वो सॉइल से भर गए, इसके अंदर ये छोटे छोटे दिख रहा है वो दीमक है ना, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है इसकी आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो जो इसके टर्माइट के जो अंडे होते हैं वो डल हल्के से किडनी शेप के होते हैं, हल्के क्रीम टाइप के कलर के होते हैं, व्हाइट एंड क्रीम कलर के होते हैं, जो भी 30 से 90 दिन में हैच हो जाते हैं। निम्स होते हैं इसके वो 8 से 9 इंस्टार होते हैं, या 8 से 9 टाइम इनकी मोल्टिंग्स होती है। फुल ग्रोन होने में निम्स को 6 से 12 महीने का समय लगता है। एडल्ट्स जो होते हैं ये देखिए एडल्ट दिख रहे हैं, ये क्रीमी कलर्ड के छोटे इंसेक्ट्स होते हैं जिनमें की आपका मथुआकार है ना, ठीक है, एंटीनी पाई जाती है ना, और उनके जो आपका जो सिर होता है वो चीटियों के जैसा दिखाई देता है। ये देखिए ये दिखाई ना आपका उसकी एंटीनी है ना, इस प्रकार से जो है अगर हम उसकी आईपीएम स्ट्रेटजी की बात करें तो जो दीमक की आईपीएम स्ट्रेटजी के तहत कोई भी जो गोबर खाद का हम लोग जब तक इस्तेमाल करते हैं या डीकम्पोज कोई भी मैन्योर्स का इस्तेमाल करते हैं तो वो जो है पूरा का पूरा डीकम्पोज होना चाहिए, पार्शियली डीकम्पोज मैन्योर उपयोग में नहीं लाना है। कोई भी जो टर्माइट की कॉलोनी है उसको क्या करना है, हमको लोकेट करना है, पहचान करनी है और उस टर्माइट कॉलोनी को खत्म करना है, तो अपने आप टर्माइट खत्म हो जाती है अगर हम उसकी कॉलोनी को खत्म करेंगे ना। इरिगेशन वाटर में थोड़ा सा जो जला हुआ तेल वगैरह रहता है ना वो उसको आपको मिला देने से भी जो है इस पेस्ट का कंट्रोल किया जा सकता है। कोई भी जो आर्गेनिक मैटर्स हैं, काउ डंग है ना, लकड़ी का बुरादा है, वो जो है आपको फील्ड में नहीं छोड़ना है, उनको हटा देना है ना। सेट्स का ट्रीटमेंट करना है इमिडाक्लोप्रिड 0.1% या क्लोरोपाइरीफास 0.04% की दर से 5 मिनट के लिए है ना, और नीम केक की जो खाद आती है उसको भी अप्लाई कर सकते हैं 60 बैलगाड़ी 1 हेक्टेयर के हिसाब से। क्लोरोपाइरीफास 50% इसी का अगर 750 ml या 1000 ml प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करेंगे तो भी टर्माइट का कंट्रोल किया जा सकता है। ये कुछ कल्चर मेथड्स और हैं इसके मैनेजमेंट के कि फ्लड इरीगेशन देना है, कब करना है, प्लांटिंग के समय में है ना, जिससे कारण से एक्सेस मॉइस्चर होगी और वो जो है टर्माइट का अटैक नहीं होगा है ना। और साथ ही साथ फिजिकल मेथड्स के तहत जो हमको टर्माइट कॉलोनी खोजनी है जिसमें मैंने आपको बताया, और उसको खोजने के बाद उसको डिस्ट्रॉय कर देना है ना। और केमिकल मेथड्स के तहत
जो इमिडाक्लोपिड के जरिए या क्लोरोपाइरीफास के 20 EC के जरिए जो है इसका सेट ट्रीटमेंट करके भी इसकी प्लांटिंग की जा सकती है। अगला पेस्ट है सुगर केन लीफ हॉपर, जिसको बोलते हैं पायरिला, सुगर केन पायरिला। सुगर केन पायरिला का साइंटिफिक नेम है पायरिला परकुसला हेमिप्टेरा फुलगोरडी फैमिली। तो इसके जो अंडे हैं ये देखिए, अंडे जो सफेद रंग के पेल ग्रीन येलो अंडे होते हैं, जो क्लस्टर में दिए जाते हैं। तो एग यहाँ दिखाई नहीं देते, फीमेल क्या करती है इस एग को ऐसा कॉटन के जैसा व्हाइट कलर के जो वैक्सी मटेरियल निकालती है उससे इसको ढक देती है फीमेल, है ना। इसलिए जो है अंडे इस पे स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देते, लेकिन इस तरीके की अगर चित्र दिखाई दे रहा है सुगर केन की पत्तियों के, खासकर पीछे की ओर जो अंडर साइड ऑफ द लीव्स, तो वो जो है आपका पायरिला के अंडे रहते हैं। पायरिला का जो नेम होता है वो मिल्की व्हाइट कलर का होता है, जो न्यूली हैच्ड नेम्स है तुरंत निकला हुआ वो मिल्की व्हाइट कलर का होता है ना। इनके जो पीछे की ओर फीदर पंख जैसे होते हैं ना, जो कि कवर्ड होते हैं वैक्स से कवर्ड होते हैं ना, तो इस प्रकार से जो है इसका, और एडल्ट जो होता है वो स्ट्रॉ कलर्ड है ना, पैरे के जैसे रंग का होता है, जिसके विंग्स होते हैं, हेड जो है प्रोमिनेंट और स्नाउट है ना, स्नाउट एक प्रकार का रोस्टम, ये जो दिख रहा है ना सॉर्ट ऑफ रोस्टम है, इसके स्नाउट के जैसा इसका जो हेड है वो निकला रहता है। इसके जो नेचर ऑफ डैमेज है, सिम्टम्स ऑफ डैमेज, कि दोनों एडल्ट्स और नीम्स जो है दोनों जो है क्या करते हैं लीव की उससे सक करते हैं, जूस का सक करने का, से जो सेल सैप होता है कोशिका रस होता है उसको सक करने का कार्य करते हैं लोअर साइड ऑफ द लीव से, और जिसके कारण से लीव जो हो जाती है क्या हो जाती है, येलो पीली हो जाती है ना, सूख जाती है, और साथ ही साथ जो लेटरल बड्स होते हैं वो जर्मिनेट हो जाते हैं, और साथ साथ ये लीफ हॉपर हनी ड्यू का सिक्रीशन करता है, जिसके कारण से एक फफूंद है ना जिसको बोला जाता है सूटी मोल्ड है ना, सूटी मोल्ड का निर्माण होता है, और इस सूटी मोल्ड का निर्माण होने के कारण से फोटोसिंथेसिस की क्रिया रुक जाती है। ये देखिए ये पायरिला के अंडे हैं, है ये पायरिला के अंडे हैं, और इसको हटा दिया गया है, ये वैक्सीन सब्सटेंसेस है, ये देखिए ये सब पूरे पायरिला के अंडे, ये पायरिला का निम्फ है, और ये जो है पायरिला के एडल्ट है, और ये जो है इसके मैनेजमेंट के लिए जो है एक सिंपल एडल्ट प्रेस्क्राइब, जिसका नाम है इप्री मिलेनोल्युका। ये इप्रिकेनिया मिलेनोल्युका के एक्स है, और ये इप्रिकेनिया मिलेनोल्युका का कोकून है, जो कि पत्ती के पिछली सतह पे जो है मिड लीफ के पास कतार पे रहता है, और ये उसी के इप्रिकेनिया के कोकून है ना, और ये इसके अंडे हैं। ये देखिए ये सब पूरा इप्रिकेनिया ही है ना, ये इप्रिकेनिया से जो है अफेक्टेड इंसेक्ट्स है, नीम से अफेक्टेड है, डेथ हो गई इनकी, और पायरिला भी जो है एडल्ट जो है पायरिला के वो भी इप्रिकेनिया से अफेक्टेड है। मेटारिजम एनसोफिली है ना, ये एक एंटीमोपैथोजेनिक फंगई है, ये देखिए ये फंगई के अटैक के कारण से भी जो है आपका ये खत्म हो गया है एडल्ट है ना, और नीम्स जो है ये सब पूरे इनके ऊपर काहे का अटैक है, मेटारिजम एनसोफिली जो एंटीमोपैथोजेनिक फंगई है उसका अटैक है, जिसके कारण से ये पेस्ट खत्म हो गया। ये अंडे ब्लैक जो है ये टेट्रास्टिका स्पाइरली एक पैरास्टाइड है, जो इस अंडे को है ना पायरिला के अंडे को पैरासिटाइज कर देता है, तो उसका रंग जो है काला रंग का हो जाता है। तो ये पूरे के पूरे जो अंडे हैं ये देखिए ब्लैक अंडे जितने भी हैं वो टेट्रास्टिका स्पाइरली ने इसको पैरासिटाइज कर दिया है, तो पायरिला के अंडे जो है वो ब्लैक हो गए हैं, ये पूरी उसी की फोटो है ना। पायरिला का मैनेजमेंट करने के लिए जो है आपका जो भी केन्स हार्वेस्ट करते हैं, तो उसके बाद जो भी ट्रेसेस बचते हैं है ना, जो ठूंठ वगैरह बचती है, पत्तियां पुरानी बचती हैं, उनको सबको जला देना है ना, ठीक है। जो नीचे की लोअर लीव्स होती है जिनमें की एग की जो क्लस्टर्स होते हैं उनको जो है क्रॉप खड़ी रहे, तो नीचे की पत्तियों को रिमूव कर दें है ना, तो ये अंडे इकट्ठे होकर के बाहर किए जा सकते हैं, जिससे कि इसका मैनेजमेंट किया जा सकता है। रेटूनिंग ऑफ द सुगर केन शुड बी अवॉइडेड है ना, हमको क्या करना है रेटूनिंग नहीं अपनानी, ठीक है। बैलेंस नाइट्रोजन फर्टिलाइजर है ना उसको अपने को अप्लाई करना है, ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजन का डालोगे तो इसका अटैक बढ़ जाएगा। मेलाथियन 40 किलो प्रति हेक्टेयर या मेलाथियन 50 EC 1.25 kg पर हेक्टेयर के हिसाब से स्प्रे करके भी इसका कंट्रोल किया जा सकता है। इप्रिकेनिया जैसे मैंने आपको बताया सिंपल एडल्ट पैरास्टाइड है, जिसकी की लगभग लगभग 10,000 से 12,000 कोकून्स है ना, जो आपका जुलाई अगस्त के समय में अपन लोग अगर रिलीज करेंगे तो उसको
बायोलॉजिकल कंपाउंड के जरिए जो है कंट्रोल किया जा सकता है। मेटराजोपली जो फंगल पैथोजन है इसका भी छिड़काव करने से इसका कंट्रोल किया जा सकता है। अब एक और पेस्ट है व्हाइट फ्लाई, इसका नाम है साइंटिफिक नेम है एलिरोलोबस बारोडेंसिस ऑर्डर हेमिप्टेरा फैमिली एलिरोडिडी, है ना। और ये जो है होस्ट रेंज है सुगर केन। बायोलॉजी इसकी ये देखिए, एग पीरियड 2 से 3 दिन का होता है। 120 से 150 सिगार शेप्ड एग दिए जाते हैं। पिछली बार भी जो हम लोगों ने दूसरी क्लास में व्हाइट फ्लाई पढ़ा उसी तरीके से इसकी एक्टिविटीज होती है। निम्फल पीरियड आपका 8 से 10 दिन का होता है। इसमें एक प्री आपका प्यूपल पीरियड भी होता है ना। एडल्ट जो होते हैं वो आपका पेल ग्रीन और व्हाइट कलर के होते हैं ना। और इसकी टोटल लाइफ साइकिल 28 से 35 दिन में कंप्लीट हो जाती है। इसकी जो है मेजर सिम्टम्स देखेंगे, नेचर ऑफ डैमेज देखेंगे, सिम्टम्स ऑफ डैमेज तो येलोइंग ऑफ द लीव, क्योंकि ये क्या करता है रस चूसने का कार्य करता है, तो कोशिका रस चूसने के कारण से ये पत्तियां जो हो जाती हैं क्या हो जाती हैं पीले रंग की हो जाती है। बाद में जो है वो आपका ये देखिए ये पिंकिश या पर्पल कलर की जो है हो जाती है, धीरे से रह करके ये सूख जाती है ना। ठीक है, ये देखिए पूरे पूरे इस पे जो है व्हाइट और ब्लैक डॉट्स वगैरह ये इस तरह नजर आते हैं और प्लांट की जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। एग जो फीमेल होती है व्हाइट फ्लाई की फीमेल, है ना, ये देखिए पत्तियों की जो मिड रिब के आसपास जो है लोअर सरफेस पे अंडे देने का कार्य करती है। अंडे जो होते हैं वो आपका येलोइश पीले रंग के और स्मॉल कॉर्ड स्टॉक के लिए होते हैं ना। और जो लेटर ये अंडे जो है दिख रहे हैं बाद में जब हैच होने का समय होता है तो ये ब्लैक रंग के हो जाते हैं ना। और जो निम्स और एडल्ट होते हैं वो आपका पेल येलो कलर के होते हैं, फ्लैट होते हैं, ओवल इन शेप होते हैं। बाद में ये जो है शाइनी ब्लैक कलर के हो जाते हैं। उनकी बॉडी जो होती है वो इस तरीके से देखिए ये जो है ना जैसे फ्रिंजेस ऑफ वैक्स, वैक्स के से जो है ना ऐसे पूरी बॉडी इसकी चारों तरफ से ऐसी घिरी हुई रहती है ना। ठीक है, जो फोर्थ स्टार जो होता है वो आपका प्यूपल स्टेज में चला जाता है, बहुत शॉर्ट पीरियड के जाता है। इसीलिए जो है व्हाइट फ्लाई को बोला जाता है कि इनकी लाइफ साइकिल में 3 स्टेज की बजाय 4 स्टेज होती है। और ये जो है आपका इसके जो एडल्ट होते हैं वो पेल येलो व्हाइट टाइप के जो होते हैं है ना, और उनके जो विंग्स होते हैं है ना उसपे पूरा वैक्स पाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है इसका लाइफ साइकिल हुई। मैनेजमेंट तो है आपको क्या करना है, जो भी नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर खासकर यूरिया का इस्तेमाल कर रहे हैं वो एक्सेसिव मात्रा में ना डालें। निम्पल पैरासिटाइड एजोटस डेलहेंसिस है ना इसके रिलीज करना है। प्रीडेटर्स काइलोपोरस नाइग्रेटस है ना इसका भी हम रिलीज करेंगे इस प्रीडेटर को, तो जो है इस पेस्ट का वाइट फ्लाई का कंट्रोल किया जा सकता है। मोनोकोटोफास 36 SL ₹2 पर हेक्टेयर का छिड़काव करके भी इसका कंट्रोल किया जा सकता है। कल्चरल मेथड के तहत हमको क्या वाटर स्टेगनेट नहीं होना चाहिए, फील्ड में पानी रुकना नहीं चाहिए, प्रॉपर ड्रेनेज फैसिलिटीज होनी चाहिए ना। डी ट्रेसिंग ऑफ द कैन एट द 5th एंड 7th मंथ है ना, तो डी ट्रेसिंग कर देना है कैन को हटा, कैन के अंदर नीचे जो लीव्स वगैरह होती है ना उनको हटा देना है 5-6 से 7 महीने के अंदर है ना। और साथ ही साथ डी ट्रेसिंग ऑफ द प्यूपेरिया बियरिंग लीव्स है ना, जिसमें भी प्यूपेशन है, जिसमें कि आपका इंसेक्ट्स की जो एग्स वगैरह दिख रहे हैं है ना, एडल्ट व्हाइट फ्लाइज नहीं है, उन सबको डी ट्रेसिंग कर देना है। और इरिगेशन फैसिलिटीज जो है ताकि जो है सॉइल मॉइस्चर प्रॉपर बनी रहे है ना, उसकी सुविधाएं अपने को रखनी है। केमिकल मेथड्स के तहत जो है फेनिट्रोथियान 50 EC 2 लीटर पर हेक्टेयर या थायामेथोक्साम 25 WDG 125 ग्राम प्रति हेक्टेयर या एसीफेट 2 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर के आधार साथ जो है हम लोग किसी एक इंसेक्टिसाइड्स का स्प्रे करके भी इस पेस्ट का कंट्रोल कर सकते हैं। क्लोरपाइरीफास है ना, क्लोरपाइरीफास 20 EC या 50 EC है ना, 1250 से 1500 लीटर वाटर स्प्रे है ना, स्प्रे फ्लूड जो है वो 1500 से 1500 लीटर का होना चाहिए पर हेक्टेयर के हिसाब से हम लोग स्प्रे करके भी इसका नियंत्रण कर सकते हैं। लास्ट पेस्ट है शुगर केन मिली बग है ना, तो मिली बग जो है
ये पिंकिश ओवल इंसेक्ट होता है, पिंक रंग का, गुलाबी रंग का होता है, जो कि लीफ शीथ के नीचे है ना पाया जाता है, और उसके ऊपर भी जो है व्हाइट रंग की पूरी पूरी कोटिंग होती है, इसीलिए ये जो है इसका नाम जो है ना, ये अगर आप देखेंगे तो सफेद रंग का ये दिखाई देता है, लेकिन जब उसकी वैक्स कोटिंग हटाएंगे तो ये गुलाबी रंग का होता है। इसकी जो नेचर ऑफ डैमेज है या सिम्टम ऑफ डैमेज है, तो जो नीम और एडल्ट दोनों जो होते हैं वो क्या करते हैं, कोशिका रस को चूसने का कार्य करते हैं पत्तियों के नीचे तरफ रहे, जिससे कैंसर प्लांट्स का जो विगर है वो रिड्यूस हो जाता है, ये रूट के ऊपर भी अटैक करता है ना। और इसकी खासियत होती है मेडी बग की, यह भी पायरिला जैसा हनी ड्यू सिक्रेशन का कारण कर हनी ड्यू सिक्रेशन करने का कार्य करता है, जिसके कारण से सूटी मॉल्ट का निर्माण होता है, और वो सूटी मॉल्ट के कारण से ब्लैक फंगस है ना, ब्लैकिश अपीयरेंस दिखाई देता है, फोटोसिंथेसिस की एक्टिविटी रुक जाती है, और जो है प्लांट्स का विगर कमजोर हो जाता है। इसके जो एग्स होते हैं ना, वो फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में ही रिटेन हो जाते हैं, ठीक है, जब तक जब तक कि वो फुली मेच्योर्ड ना हो जाए ना, और फुली मेच्योर्ड होने के बाद जो है ना, ये जो इंक्यूबेशन पीरियड बहुत छोटा होता है ना, और आपका यंग वंस को पार्थनर जेनेटिकली जो है फीमेल्स क्या करती है, प्रोड्यूस करती है। एग जो होते हैं वो पीले रंग के स्मूथ सिलेंड्रिकल और राउंडेड है ना, दोनों एंड जो रहेंगे उसके वो कैसे रहेंगे, राउंड राउंडेड रहते हैं। निम्स जो होते हैं जो वो एक्टिव रहते हैं, और पिंकिश ट्रांसपेरेंट उनकी बॉडी होती है, जबकि एडल्ट्स जो होते हैं वो पिंकिश कलर के होते हैं, लेकिन उसके ऊपर वैक्स कलर की, वैक्स की जो है पूरी की पूरी कोटिंग होती है, जिसके कारण से उसका अपियरेंस जो होता है वो व्हाइट रंग का होता है। इसके मैनेजमेंट की बात करें तो अपने को कल्चरल मेथड के तहत जो रेजिस्टेंट वैरायटीज है, जैसे कि CO439, CO443, CO720, CO730 एंड CO7704 की प्लांटिंग करनी चाहिए। फील्ड में ड्रेनेज प्रॉपर होना चाहिए ना, और जो फिजिकल मेथड के तहत है वो फसल में 150 और 210 दिन की प्लांटिंग के बाद डी ट्रेसिंग कर देना चाहिए। नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर को एक्सेस में यूज नहीं करना चाहिए। कोई भी जो केमिकल मेथड्स के तहत किसी भी एक इंसेक्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, फॉर एग्जाम्पल मेथिल पैराथियन 50 EC 1000 ml, या मेलाथियन 50 EC 1000 ml पर हेक्टेयर। और अगर सीवियर इंफेस्टेशंस देखा गया है तो डी ट्रेसिंग करने के साथ साथ जो है डाइमेथोएट 30 EC एट द रेट ऑफ 1 ml पर लीटर ना, उसको जो है आपको इसके फिश ऑयल रेजिन के साथ या सोप के साथ 2.5 ml पर लीटर के साथ जो है जो रेजिन सोप होता है उसके साथ 1 ml डाइमेथोएट 30 EC को मिला करके डीप ट्रेसिंग करके देन उसके बाद आपको स्प्रे कर देना है, तो इससे जो है इस पेस्ट का मैनेजमेंट किया जा सकता है। साथ साथ जो रेजिस्टेंट वैरायटीज हैं, जैसे CO439, CO443, CO720, CO730 का प्लांटिंग करनी चाहिए ना? और बायो कंट्रोल एजेंट्स है ना, ब्रूमोइड्स ये दिख रहा है, ब्रूमोइड्स सुप्रालिस है ना, सुप्रालिस एंड देन लैप्टोमास्टिक्स डैक्टियोलोपी है ना, ये पेरासिटाइड है, और ये जो ब्रूमोइड्स हैं ये प्रीडेटर है ना, इसका भी रिलीज करके हम लोग इस पेस्ट का कंट्रोल कर सकते हैं। इस प्रकार से आज की इस क्लास में हम लोगों ने मेजर पेस्ट शुगर केन के कौन कौन से पेस्ट होते हैं उनका अध्ययन किया, उसके बारे में हम लोगों ने आज पूरा उसके आइडेंटिफिकेशन, उसकी लाइफ साइकिल, उसका सिम्टम ऑफ डैमेज, नेचर ऑफ डैमेज, और साथ ही साथ उसका मैनेजमेंट के विभिन्न तरीके का अध्ययन किया। हाँ, समझ में आया भाई? क्या यस समझ में आया? कुछ सर, सुअर इतने गैंग सारे पेस्ट नाम जो है कौन कौन से होते हैं समझ में आया? यस सर, केवल टिकेंद्र को समझ में आया कि सभी को समझ में आया? किसी को समझ में नहीं आया सर होता है? हाँ, आया सर समझ में? आया श्रेया? यस सर।
सर जैसे शुगर केन, हाँ बोलो बोलो। सर शुगर केन जो है क्या, 1 साल से ज्यादा की क्रॉप होती है सर, उसकी ड्यूरेशन लगभग 2 साल तक रहती है, तो इसमें मैनेजमेंट भी बहुत सारा होता होगा सर, फिर नहीं देखो, 2 साल इंसेक्ट और में पेस्ट क्रॉप का। नहीं होती है वो ना, क्रॉप तो 10 महीने से लेकर के 12 महीने की फसल है शुगर केन, सिंगल क्रॉप यस है सर, ना। और अगर यस सर, उसको रेटूनिंग पे जाए, रेटूनिंग मतलब उसको शुगर केन हार्वेस्ट किया, छोड़ दिया, देन फिर से इरिगेशन दिया, यस सर, फर्टिलाइजर दिया, तो फिर से आ जाएगी, है ना, उसको रेटून बोलते हैं ना। तो यस सर, रेटून में उसको 3-3 साल तक ले लेते हैं। तो हर किसी पेस्ट के मैनेजमेंट पे, चाहे इसमें डिसीज की बात हो चाहे इंसेक्ट पेस्ट की, हमेशा रेटून क्रॉप को अवॉइड करना चाहिए। रेटून क्रॉप से क्या होता है, पहली क्रॉप में तो यील्ड भी मिल जाती है, दूसरी क्रॉप में यील्ड जो है वो कम हो जाती है, और चूंकि उसी फील्ड में क्रॉप लगी है तो पेस्ट का जो अटैक है वो बढ़ जाता है, ठीक है, डिसीज का, पेस्ट का, तो फिर उसको मैनेज करने में बहुत तकलीफ होती है। इसलिए ना रेटूनिंग हर केस में अवॉइड करना चाहिए। यस, मतलब क्वालिटी अगर प्रोडक्शन चाहिए तो ओनली एक क्रॉप लेना चाहिए, फिर उसको रेडून को अवॉइड कर देना चाहिए। बिल्कुल, अगर आपको क्वालिटी और प्लस ना, देखिए जैसे मान लीजिए 1 हेक्टेयर से ना 300 क्विंटल तक अगर मान लो गन्ने की उपज आ रही है, तो रेटून में जब जाएंगे ना तो वो 300 की तुलना में ना 250 आ जाती है, 200 आ जाती है ना। वो मैनेजमेंट के ऊपर निर्भर करता है, कम होती चली जाती है। इसीलिए जो है ना, किसान क्या करता है, उसको ज्यादा से ज्यादा ना, अगर अच्छा किसान है तो वो 1 साल के बाद उसको हटा देता है और नई क्रॉप लगा लेता है, नई क्रॉप से फिर उसको फायदा होता है।